अभी तो आज की इस वाली वीडियो में हम फ्री फायर को प्ले करने वाले हैं अपने गेम रूम एमुलेटर में। इस वाली वीडियो में मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई आप इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बताओ। अब ये जो गेम रूम है ना, ये विदाउट वीटी आपके सिस्टम में चल जाता है। वीटी आपने इनेबल करना है, भले प्रोसेसर में वीटी सपोर्ट ना हो तो ये इजिली चल जाएगा। और आप इसको बगैर ग्राफिक कार्ड, इस वाले लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड भी नहीं था, मैंने सारी स्पेक्स आपको दिखाई थी। और DDR2 की जो है वो इसमें रैम थी। इस कदर लो एंड कंप्यूटर में भी हमने जो है वो इस वाले एमुलेटर के थ्रू फ्री फायर को चला लिया था। इसमें आपको मैच मेकिंग का लेट इशू नहीं आएगा क्योंकि ये गेम लूप की लॉबी को सपोर्ट करता है। एंड साथ साथ करेक्टर शो का इशू इसमें बिल्कुल ही फिक्स है क्योंकि भाई इसमें स्पेसिफिकली ओपन जीएल का ऑप्शन दिया गया है। फ्री फायर का करेक्टर फिक्स करने के लिए गेम लूप में अपना ही अपडेट आ रखा है। तो सारी की सारी चीजें कैसे करनी है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बेस्ट सेटिंग में बताऊंगा, कम्प्लीट इंस्टॉलेशन है इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको गेम लूप का 3.2 का वर्जन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगा, वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यही यूज किया है तो आप भी यही यूज करेंगे। डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट है। तो देन यहाँ पर आपको गेम लूप की ये PGP फाइल मिल जाएगी, तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के अंदर जाना है, डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है कहाँ पर इसको जो है वो पब्लिक इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड इधर से मैं जो हूँ अपनी डायरेक्टरी को जो है वो चेंज करूंगा। मैं लोकल ई में इसको इंस्टॉल करूंगा, ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो लोकल ई सिलेक्ट हो चुकी है जिस इंस्टॉल। पहली चीज ये कि देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। मेरे सिस्टम में यहाँ पे दो लोकल है। जब मैंने पहली बार गेम लूप को इंस्टॉल किया था तो मैंने लोकल सी में किया हुआ था, लेकिन देन अभी जब मैं इंस्टॉल करूंगा तो मैं लोकल ई में करूंगा। गेम लूप के एरर आने के जो चांसेस होते हैं ना, उसी लोकल में होते हैं जिसमें हमने पहले इंस्टॉल किया था। तो मैं उसी में कर रहा हूँ जिसपे मैंने कभी भी गेम लूप को इंस्टॉल नहीं किया। दूसरी चीज, इंडिया कंट्रीज में देखा गया है ये चीज, या फिर पाकिस्तान में भी ये चीज देखी गई है, गेम लूप जो है वो इंस्टॉल नहीं होता। इनके सर्वर पाकिस्तान या इन कंट्रीज में जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं। इसके लिए VPN यूज कर सकते हो। VPN जो है वो वन ऑफ द बेस्ट VPN है, वो है टॉम VPN। उसका डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वरना आप मैन्युअली भी जाके उस VPN को कनेक्ट करके इसकी डाउनलोडिंग को कर सकते हो अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा गेम लूप इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आप यकीन करें मुझे पूरे 20 मिनट तक मैं इसको वेट कर रहा हूँ, उसके बाद जाके ये इंस्टॉल हुआ। पता नहीं क्यों बट ये इतना टाइम ही ले रहा है। तो यहाँ पर आइकॉन भी आपको मिल जाएगा, बट हम यही से ही स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी हम इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग हमारी ओपन हो चुकी है। अभी फुल सेटिंग इसकी ओपन नहीं है क्योंकि बता रहे कि भाई कोई ना कोई गेम इंस्टॉल करो, उसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एक और चीज जो कि आपको समझ लेनी है, जो कि मेन है, आपने फ्री फायर को इधर से ही डाउनलोड करना है, कोई APK वगैरह पे नहीं करना। देखिए ये गेम लूप है और गेम लूप के मामले में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है। अगर आप ये और से गेम उठाओगे, ये खुद की गेम्स की फाइल को भी जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है। इधर से ही गेम को डाउनलोड करना है, आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, आपका गेम डाउनलोड हो गया। यहाँ पर आपको मैं भी साइज दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 900 MB की कुछ गेम है और कुछ ये अपनी फाइल भी यहाँ पर जाना रखेगा। कुल मिला के इसको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसको पूरा इंस्टॉलेशन होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, जिस तरह के मैंने बोला कि मैं आज की वीडियो में सारा गाइड करूंगा। तो फिलहाल अभी मैं जो इन सबको जो वो कट कर देता हूँ। तो हमारा फ्री फायर कम्प्लीट इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल हो जाने के बाद अब इसको बंद कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए आपने इसमें जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको स्क्रोल डाउन करना है। इधर आपको एप्स का ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें क्लिक करें एंड देन यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर जाए, इसको भी डिसेबल कर दें। उसके बाद बैक वाला ऑप्शन प्रेस करें, यहाँ पर भी आपको गूगल प्ले सर्विस जो आपको मिल, इसको भी आपने डिसेबल कर देना। फोर स्टॉप पे क्लिक करें, फिर से बैक जाए एंड यहाँ पर आपको अबाउट अस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें क्लिक करें एंड बिल्ड नंबर के ऊपर क्लिक करें। यू आर अ न्यू डेवलपर, बैक वाला बटन प्रेस करें, डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाए, USB डिबगिंग ऑन कर देना, ठीक है। आने वाले टाइम में बताऊंगा इसका क्या यूज है। यहाँ पर आपको विंडोज स्केलिंग का जो मोड है इसको भी बंद कर देना, ट्रांजेक्शन इफेक्ट को भी बंद कर देना एंड एनिमेशन जो इफेक्ट है इसको भी बंद कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपने DBA में जाना है, इधर आपने सेलेक्ट करना 300 आपको सेलेक्ट करना, ओके के ऊपर क्लिक करना, बैक वाला बटन प्रेस करना, 4GB रेंडरिंग ऑन कर देना, 4MSA को भी आपने ऑन कर देना एंड बैकग्राउंड प्रोसेसर लिमिट को आपने एटलीस्ट 1 और 2 के दरमियान रखना है। तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग वाले बटन के अंदर आपको चले जाना। यहाँ पर आपने इसके ऊपर टिक करना है हाइड एडवांस वाटरमार्क एंड इसको आपने बंद कर देना रन स्टार्टअप है। उसके बाद आपने जाना है इंजन में, इधर से आपको ओपन जीएल प्लस को टिक करना है। इससे ना आपका जो करेक्टर शो का इशू है वो नहीं आएगा। गेम लूप स्पेसिफिकली भाई इसके ऊपर काम करता रहता है। ओपन जीएल प्लस आपको रखना है, करेक्टर शो का फिक्स हो जाएगा।
एंड अगर ग्राफिक कार्ड भी नहीं तब भी ओपन जीएल प्लस पर जाओ। रेंडरिंग मोड को आपने अनचेक कर देना है, 4GB रेंडरिंग को आपने अनचेक कर देना है, ग्राफिक कार्ड वाले ऑप्शन को भी आपने अनचेक कर देना है। बस आपने यहाँ पे करना है अनेबल रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसको आपने टिक करना है। उसके बाद आपने अनेबल वर्टिकल सीन को टिक करना है, इन दोनों को टिक कर लेना है। ये दोनों मेमोरी जो प्रोसेसर है इसको आपने ऑटोमेटिक दोनों टाइप में रखना है। रेजोल्यूशन यहाँ पे आपने जाना है, इधर से आपने सबसे लो एंड वाली रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर देना। डीपी भी आपने यहाँ पर आपने 240 वाला रख देना है। मॉडल्स में जाना है, इधर आपको असोस की डिवाइस सेलेक्ट करनी है क्योंकि ये बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर जाके अकाउंट लॉगिन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद आपने एमुलेटर को एक दफा रीस्टार्ट करना है, देन आपकी सारी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो सारी सेटिंग जैसे आपके कम्प्लीट है उसके बाद हम फ्री फायर को लॉन्च करेंगे। इधर से आपको आपका अकाउंट जो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन वगैरह, यहाँ पर आपको जीमेल का भी सपोर्ट मिलता है, जीमेल वगैरह भी लॉगिन करना चाहे तो कर सकते हैं। हम यहाँ पे फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ब्राउजर से अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। तो अब ये ट्रिक देख रहे हैं जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा फ्री फायर जो है यहाँ पे चल जाएगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी है, तो सिंपली जाए सेटिंग में। उसके बाद यहाँ पर आपने जाना है डिस्प्ले में, यहाँ पे स्मूथ एंड नॉर्मल पे सेट कर सकते हो। जिनके डिवाइस बहुत ही ज्यादा लो है वो यहाँ पे नॉर्मल पे जाएंगे, 30 FPS मिलते हैं। अगर 60 FPS चाहते हो तो हाई पे जा सकते हो। एंड यहाँ पर हमारा फ्री फायर चल चुका है। एक काम आपने जरूर करना है, जब आपका फ्री फायर बिल्कुल लोबी में आ जाए आपने चले जाना है अपने टास्क मैनेजर में। नीचे अगर हम जाएंगे, ये जो हमारे ऑप्शन है ये फजूल के, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो गेम लूप एंड इसके एक एक्स्ट्रा सर्विस ये वाली, एंड नीचे आपको चेंजेस करके दिख रहा है, इसको बंद कर देना। ऊपर जो मेन चल रहा है वही है आपका गेम लूप। तो फिलहाल अभी हम इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पर लैग आपका अगर करे, लैग नहीं करेगा, गेम लूप 4.4 है, सही चलेगा गेम, लेकिन तब भी आपका गेम लूप लैग करे तो आपको एक मैं वीडियो दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसपे टूल के थ्रू हम इसकी रेजोल्यूशन कम करेंगे, जिसपे मैंने गेम लूप में विदाउट ग्राफिक कार्ड के फ्री फायर को खेल कर दिखाया। उस पर मैंने टूल यूज किया था, उस टूल के थ्रू आप रेजोल्यूशन कम कर सकते हो। अब मेन चीज यहाँ पे रहती है भाई, गेम मैपिंग कैसी है सिमुलेटर की, जो फर्स्ट टाइम गेम लूप पे खेल रहे हो। तो इसको चीज को चेक करने के लिए आपने जाना है अपनी सेटिंग में, इधर से आपने जाना की मैपिंग में एडवांस एंड कस्टम के ऊपर क्लिक करें। ये आपकी की मैपिंग क्या वो आधी देखिए माउस में ऑटोमेटिकली लॉक हो गया, इसको मान लो करता हूँ। कीबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करें एंड देन यहाँ पर आप सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्मार्ट की 2 को सिलेक्ट किया हुआ है और ये मेरे लिए बेस्ट चलती है। मेरी हर जो बटन है राइट क्लिक माउस लॉक एंड लॉक परफेक्टली चलता है। आपने इन बटन को देख लेना है, यहाँ पर आप देख सकते अगर मैं स्मार्ट के ऊपर जाऊँ तो ये मिल रही है। आप अपने लेआउट के हिसाब से इन्होंने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। नीचे आपको अगर मैं इसके ऑप्शन में दिखाऊँ, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल एंड यहाँ पे वर्टिकल सेंसिटिविटी मिलती है। ब्राइटनेस यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर से आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिनकी LCD जो है ना ब्राइटनेस कम है, तो थोड़ा सा ब्राइट ब्राइट दिखता है। इधर से आपने करना है शो की मैपिंग टिप्स को ना अनचेक कर देना, ये लाजमी से करना है एंड इट सेव। तो इस तरीके से आप फ्री फायर को प्ले कर सकते हो अपनी गेम लूप के लाइट वर्जन में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।